क्या नोटबंदी के बाद लोगों के जख्मों पर दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष मनोज तिवारी ने नमक छिड़कने का काम किया है, यह आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है। दरअसल एक वीडियो सामने आया है जिसमें मनोज तिवारी मजाकिया अंदाज में ये बता रहे हैं कि उन्होंने कैश के लिए लाइन में लगे लोगों को शांत करने के लिए कैसे उन्हें देशभक्त बताया। 1 मिनट 20 सेकंड की इस वीडियो में कई और बीजेपी नेता भी दिख रहे हैं जो मनोज तिवारी की बातों पर ठहाके लगा रहे हैं। तो आप भी देखिए कि कैसे मनोज तिवारी नोटबंदी की मार झेल रहे लोगों का भरी महफिल में मजाक उड़ा रहे हैं। अभी वो एक दिन एबीपी खुद चलाया, मैं गया था अपने लाइन में, जब लोग लगे थे तो मैं सोचो क्या कहूँ, तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में, एकदम सब सीरियस, सब मुस्कुराने लगे। देशभक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तकदीर। बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। तो देखा आपने किस बेशर्मी के साथ नोटबंदी की मार झेल रहे लोगों का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। अब हमारे पीएम को भी देखना होगा कि जहां वो लोगों को नोटबंदी पर सहयोग देने की बात कर रहे हैं, वहीं उनके नेता उनकी ही योजना का अप्रत्यक्ष रूप से मजाक उड़ा रहे हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।